हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी टू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो दिलो दिमाग में आपके जो पर्सन है वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर, जानने की कोशिश करें। सो फ्लिंग पर फोकस कीजिए। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। सो जिनके बारे में सोच है ना, वो इंसान काफ़ी ज़्यादा एकदम अकेलेपन में या अजीब सा लोनलीनेस में है। मतलब आसपास सब कुछ होने के बावजूद भी अजीब सा अकेलापन है और डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है अंदर ही अंदर। बाहर से ज़्यादा ना, इनके अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट, शोर की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हुई, डिस्टर्बेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अपने आप से नाराज़, दुनिया से नाराज़, हर किसी से नाराज़, इवन आपसे भी नाराज़, ऐसी वाली फीलिंग है। और अपनी गलतियाँ काफ़ी ज़्यादा देख पा रहे हैं, अपनी गलतियाँ। इन्हें ऐसा लगता ना कि इस एक कोई कंपैरिजन हुआ है अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन कोई कंपैरिजन हुआ है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में स्पेशली, और ये किसी सिचुएशन के बीच में हुआ है। बट ये आपके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा चीज़ हुई और इनको ना अचानक से एहसास हुआ कि इन्होंने ना बहुत बड़ी गलती की है आपको ना कह के, या आपको दूर करके, या आपसे झूठ बोल के, या आपको लाइक किसी और को चुन के, आपकी आपको छोड़ के वाली चीज़ है। अगर इनके एकदम रिसेंट डीपी स्टेटस प्रोफाइल जो भी आप देखोगे ना, अजीब सा डिस्टर्बेंस है। भले वो फ़ोटो कितना भी फिल्टर्ड हो या फिर कितना भी माहौल अच्छा दिखाने की कोशिश दोस्तों वगैरह में है, फैमिली में है, ये है, बट अजीब सा डिस्टर्बेंस है। जो चाहते हुए ना भी वो छुपा नहीं पा रहे, वो कैप्चर हो रहा है, वो कैप्चर हो रहा है। या तो ये वो जो जो फ़ोटो या कुछ स्टेटस वगैरह जो डाला है ना, उसमें जो डिस्टर्बेंस है ना, वो सिर्फ आप ही देख सकते हैं, या फील कर सकते हैं। आज बटरफ्लाई की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है कि बटरफ्लाइज आपको छू के निकल गए हैं, रियल में दिखे हैं एटलीस्ट। ब्लैक कलर के हैं, ब्लैक ब्राउन कलर के हो सकते हैं। इनकी एनर्जी है ना अचानक से आपके लिए क्यों चेंज हो रही है, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि चलो गलती समझ में आ रही है, कंपैरिजन समझ में आ रहा है कि आप अच्छे हो और आपको गलत समझा गया है, आपके साथ अन्याय किया गया, आपके साथ इन्होंने अन्याय किया, ये सब समझ में आ रहा है। लेकिन अलग ही रोमांटिक एनर्जी फील हो रही है कि जिस प्यार को इन्होंने नकारा था, उसे प्यार को एक्सेप्ट करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है कि बस वो मिल जाए। कैसे होगा पता नहीं, आपके सामने आने की हिम्मत नहीं है, आपसे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। ये इंसान अपने आप में ही अजीब सा डिस्टर्ब है, इन्हें क्या सोचना है, क्या करना है खुद नहीं पता। इनको ऐसा लगता ना कि पहले की तरह बस ये आपके पास आ जाए, और मतलब एक जैसे बच्चा कोई गलती करता है और माँ के पास आ जाता है और गले लगा के बस माफ़ी मांग लेता है, और माफ़ी मांगता भी नहीं है, लेकिन वो सब ठीक हो जाता है। आई एम गिविंग ए रॉन्ग एग्जाम्पल इन अ रोमांटिक कनेक्शन, बट स्टिल ये ऐसे कुछ एनर्जी है ना, जैसे कि आप जिस तरह से आपने उनको एक्सेप्ट किया हमेशा, या फिर जिस तरह से माफ़ किया है, जिस तरह से उनको आप पैम्पर करते हो बेबी की तरह, तो वो चीज़ फील हुई अचानक से।
अगर ये पहला वक्त होता ना तो ये आने में बिल्कुल देरी नहीं करते, क्योंकि उनको मतलब कोई झिझक नहीं, कुछ नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता मतलब आपको क्या फील हुआ था या कुछ नहीं। बट अभी ना अजीब सा डर लग रहा है आपसे, क्योंकि आप में ना अजीब सा एक चेंज है। आप उनको पता है कि आप प्यार करते हो, आप उनके लिए डिज़ायर करते हो, सब कुछ है, लेकिन फिर भी डर लग रहा है, फिर भी डर लग रहा है, क्योंकि इनकी गलतियाँ ना ऐसी ही हैं, इनकी गलतियाँ कुछ ऐसी हैं कि जैसे ये खुद को अभी ना सही साबित कर ही नहीं पा रहे, खुद की नज़रों में नहीं कर रहे, तो फिर आपको आपका क्या सामना करें, ऐसी वाली एनर्जी है। आपसे बात तो करना चाहते हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं इनकेस, तो अभी भी इनमें बातों में ना एक पहले की तरह ना एक कन्विंसिंग पावर नहीं है कि ये कुछ बोल रहे हैं तो ऐसा ना, आप तो पहले कैसे कुछ भी बोले तो आप समझ जाते थे या फिर मान लेंगे। अभी ये जो भी बोल रहे हैं ना, ये कितना क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, आपको पता है, तो वो सारी एनर्जी इनको बहुत ज़्यादा डरा रही है। इनिशियल इनके वी हो सकता है, ए हो सकता है, एल हो सकता है, ओ हो सकता है, मानो ना मानो ये इंसान ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्टेट में है। ऐसा नहीं कि रोना धोना चालू है, बट कंफ्यूज, डिस्टर्ब, कंफ्यूज नहीं कह सकते, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, मतलब एक जो काम की जगह है ना, उधर एक कंसंट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो भी शायद कम ही हो रहा है, या फिर जस्ट नॉर्मल रूटीन वर्क है तो ठीक है, बट इनसे ना कोई क्रिएटिव वर्क नहीं हो पा रहा है, क्रिएटिव वर्क, कोई भी क्रिएटिव वर्क हो नहीं पा रहा है, कि कुछ अलग सोचना है, कुछ हैप्पीनेस सोचना है, कुछ आउट ऑफ पर्सपेक्टिव, मतलब क्रिएटिव वर्क कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी चीज़। और ये इंसान काफ़ी ज़्यादा ना लॉस्ट, हाँ लॉस्ट वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब जैसे खोया खोया से, क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, कुछ भी नहीं पता। कभी अचानक से दोस्त के साथ निकल जाएंगे, या कभी फैमिली के साथ निकल मतलब बैठे दिखेंगे, या कभी अकेले ही दिखेंगे, कुछ भी भरोसा नहीं। सच को तो ये इंसान है ना आपसे ही बात करना चाहते हैं, और आपके साथ रहेंगे ना तो ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन ये ना बार बार आपको ना वही तकलीफ से गुजारना, मतलब वही तकलीफ देना नहीं चाहते, वही तकलीफ नहीं देना चाहते। क्योंकि इनका ना आपके पास देने के लिए अभी तक कुछ नहीं है, पॉजिटिविटी भी नहीं है, सीरियसली पॉजिटिविटी भी नहीं है। ये आपको मतलब आज आप इनसे बात करेंगे तो बोलेंगे कि चलो भाई ठीक हो जाएगा, तुम शांत रहो, अच्छे से रहो, हो जाएगा ठीक। ऐसा अगर आप बोल भी सकते हो, आप में उतनी एक ताकत है, एक पॉजिटिविटी है, इनसे पूछा जाए ना, ये अगर बात करेंगे तो ये लाइफ ऐसी होती है, दुनिया ऐसी होती है, लोग ऐसे ही होते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी गलती है, मैंने तो ठीक ही नहीं, ये कोई भी पॉजिटिविटी की बात करेंगे ही नहीं ऐसा फील हो रहा। आपको स्नेक्स भी दिख रहे हैं शायद, स्नेक्स जी निशल हो सकता है इनका, बहुत ज्यादा अकेले डिस्टर्ब फील हो रहे हैं, और इन्हें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पॉजिटिविटी, हीलिंग वगैरह सब चीज़ की, लेकिन आसपास के लोग हैं ना वो ऐसे नहीं है। इनफैक्ट ऐसा है कि आसपास के लोग इनका शायद मजाक उड़ा रहे हैं, उनको नीचा दिखा रहे हैं ज़्यादातर, और या फिर उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं, यस कुछ नहीं समझ रहे, तो इसकी वजह ना ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, खो रहा है, मतलब अपने आप को खो रहा है, ऐसी वाली फीलिंग है। लेकिन ये ना आपकी तरफ भी नहीं आ रहे,
उतनी भी हिम्मत नहीं है, आपको तकलीफ होगी, आपको दुख होगा, और स्पेशली इनको भी होता है कि आपको देने के लिए उनके पास नहीं है कुछ, इन्हें ज़रूरत है आपकी लेकिन देने के लिए कुछ नहीं है। और हम ये हालातों में चेंज हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये इंसान एक तो हिम्मत खुद से करनी पड़ेगी, जैसे आपके सामने आना, आपके सामने आना कि आपसे बात करना, ठीक से समझ के सोच समझ के बात करना, ये तो करना चाहिए। ये उनसे अभी तक नहीं हो पा रहा है, उतनी हिम्मत ताकत या उतनी समझदारी, कुछ लोग मतलब समझदारी भी नहीं है कि भाई कहाँ जाना चाहिए, वो भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि यूनिवर्स भी उनको इशारे दे रही है कहीं ना कहीं किसी तरह से। जैसे आपको वे एंजल नंबर दिख रहे हैं, आपको भी है, आपको 111 एंजल नंबर दिख रहा है, 1111 दिख रहा है, 1010 दिख रहा है, और बटरफ्लाइज जैसे मैंने कहा दिख रहा है, लेकिन अभी जस्ट बिकॉज आप लोग इस स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं, भले आप किसी के भी वीडियोस देखे भी, तो आपको अंदेशा है, आपको पता है कि क्या चीज़ हो रही है, थोड़ा थोड़ा आप शांत हो रहे हो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हो क्लैरिटी लाने के लिए। ये इंसान एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल, ये इंसान की एनर्जी है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अंदर ही अंदर, और जैसे मुँह छुपा के बैठा है इंसान और छुपाना चाहता है, मतलब ये हो सकता है ना, काम पे जा रहे हैं, सब कुछ फोटो डीपी स्टेटस सब कुछ जा रहे हैं, लेकिन अजीब सी है, लाइक हाइडिंग की एनर्जी है, अपनी डिस्टर्बेंस छुपाने की कोशिश है, उल्टा काम कर रहे हैं या फिर अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी मतलब एक इंसान है ना स्टेबल स्टेट में नहीं है वो फील होता है। यस, पैसे की प्रॉब्लम है या दिक्कत है, कुछ तो चल रहा है, लेकिन फिर भी उनको ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि लाइफ में चल क्या रहा है, स्पेशली थर्ड पार्टी इश्यूज़ में तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, और ये सारी चीज़ें ना आपकी तरफ इशारा करें, यूनिवर्स आपकी तरफ लेके आना चाहिए ताकि पॉजिटिविटी मेंटेन हो, क्योंकि आसपास के दोस्त हो, फैमिली मेम्बर्स हो, उनके सब कुछ रिश्ते हों, ये उतनी पॉजिटिविटी और उनको वो समझने का कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो इसके लिए आपके पास आने की जो इच्छा है, वो डिज़ायर है, वो होनी ही है, और क्योंकि एक सोल कनेक्शन है, अगेन सोल कनेक्शन है, और मून की एनर्जी लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, अचानक से आपकी याद बहुत आती है, और ये इंसान आपको अपनी एनर्जी फील करवा सकते हैं, मतलब आपको अचानक बैठे बैठे एंग्जाइटी हो रही है कि आखिर इनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनकी एनर्जी है ना, तो आपको अचानक से एंग्जाइटी फील हो रही है। सो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको अपनी एनर्जी फील करा सकते हैं, करा रहे हैं, एक्चुअली आपके पास आने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, और इनफैक्ट कुछ लोग आ भी सकते हैं, और स्पेशली आपके मिलने के बाद ना, आपसे मिलने के बाद इनकी एनर्जी में अजीब सा शिफ्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अजीब सा शिफ्ट, क्योंकि उनको वो पॉजिटिविटी मिलेगी, वो चीज़ की पॉजिटिविटी। प्रपोजल की एनर्जी है आपके पास ही नहीं, लेकिन सोच समझ के, बार बार आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, काम पैसे के लिए थोड़ा दिक्कत है, वहाँ पर मेहनत है, वहाँ पूरा ध्यान है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ ना वर्क नहीं कर रहा है, ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, देखो ना स्टेबिलिटी से वही नहीं हो पा रहा। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।